ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो लिविंग फोर्ट है, यानी इसके अंदर जनता रहती है। तो राजा का नाम था जैसल और पहाड़ी का नाम था मेरू, दोनों को मिला के इसका नाम पड़ा जैसलमेर। स्पोर्ट की बड़ी खासियत है, इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया, बगैर चूना बगैर सीमेंट का पानी नहीं था पीने को। इंटरलॉक था, यहाँ पर पूरा जैसलमेर देख सकते हैं। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ से पूरा जैसलमेर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उठाइए भाई, उठाइए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखे जैसाण। सभी हम आ चुके हैं जैन टेम्पल में। मॉर्निंग में खाली पेट पानी पियो, ये ब्लड को डिटॉक्स करता है। कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम, यानी एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को लॉक लगाया गया। दिलीर गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर, अरे बलो चुगायो बाटिया श्री जन जैसल में। तो दोस्तों ये जो तोप आप देख रहे हो, ये तोप है पंच धातु की। पांच का किला पूरा बसा हुआ है, वो आप देख सकते हो इस एक पत्थर के ऊपर। हेलो भाई, देख के ही नहीं लारों को निकला स्कूल के। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों मैं हूं पृथ्वीराज और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम खड़े हैं जैसलमेर का जो फोर्ट है, जिसको सोनार का किला कहते हैं, गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, उसके आगे। और आज आपको दिखाने वाले हैं जैसलमेर का किला, पूरा जैसलमेर का जो फोर्ट है, जिसको ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो लिविंग फोर्ट है, यानी इसके अंदर जनता रहती है। आज भी अंदर घर हैं, राजा रानी के महल हैं और बहुत सारे यूनिक नज़ारे हैं, सिटी व्यू पॉइंट हो गए जैसे बहुत सारे। तो आपको आज पूरा जो जैसलमेर का फोर्ट है वो दिखाने वाले हैं और विजिट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले वाले जो पॉल है, जिसका नाम अखे पॉल है, ऐसी तीन चार पॉल आएगी और उसके बाद में जो फोर्ट है वो आने वाला है, फिर फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी बरसात भी आने लगी है। ये है किले का मेन एंट्री गेट, जिसका नाम है अखे पॉल, और अखे पॉल के अंदर से चलते हैं अभी आगे। तो ये जो पॉल आपको दिख रही है, इस पॉल से हमने करी एंट्री और ये अंदर का चौक है किले का, और यहाँ से भी किले के बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑटो मतलब टैक्सी का रहता है, यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी ऑटो खड़ी हैं। और इधर साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पर जैसलमेर की जो कला और उससे जुड़ी हुई जो सामग्रियाँ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और इधर पास में ही है रणछोड़ जी का मंदिर भी है एक, तो आपको मंदिर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये रणछोड़ जी का बहुत ही पुराना मंदिर है, तो यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये है जैसलमेर का रणछोड़ जी का मंदिर, जो जैसलमेर के किले के अंदर एंट्री करते ही वहाँ पर ही रणछोड़ जी का मंदिर है। तो हमने रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन किए, यहाँ पर आप भी रणछोड़ जी के दर्शन कर लीजिए और इसके बाद में आगे किले की यात्रा है वो शुरू करते हैं। तो एक साइड में बना हुआ है बाबा रामदेव जी का मंदिर, जैसलमेर फोर्ट के अंदर रामदेव जी का मंदिर है। तो आपको ये रामदेव जी का मंदिर दिखाते हैं, यहाँ पर किले के अंदर वाला ये रामदेव जी का मंदिर है। और आप यहाँ देख सकते हो रामदेव जी का घोड़ा भी यहाँ पर बनाया हुआ है, और अंदर रामदेव जी के दर्शन करवाते हैं दोस्तों आपको। बाबा रामदेव जी रामदेवरा में जिनका मुख्य मंदिर है, उनका यहाँ पर भी मंदिर है, और पूरे जैसलमेर में, पूरे राजस्थान में, और बाबा रामदेव जी बहुत पूजनीय हैं। और ये रामदेव जी के शरण पादुका हैं यहाँ पर, जिनको रामदेव जी के पगलिए कहते हैं हमारी भाषा में। और यहाँ पर और आपको रामदेव जी के प्राचीन पगलिए भी दर्शन करने के लिए मिले हैं। ये मंदिर हमने देखा, अभी चलते हैं आगे की ओर।
सो बाबा रामदेव जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर एक दूसरी पॉल भी आ गई है, इस पॉल का नाम है सूरज पॉल। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो पॉल है सेकंड पॉल, इसका नाम सूरज पॉल है। और चलते हैं सूरज पॉल से आगे जाते हैं, आगे एंट्री करते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है जो दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए सूरज पॉल, कि भादवा का महीना है तो रामदेव जी के जो दर्शन करने के लिए रामदेव आते हैं वो लोग भी, काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो अच्छी भीड़ है। और बरसात का मौसम है, एकदम ठंडा मौसम हो रखा है जैसलमेर के अंदर, ये घूमने का परफेक्ट टाइम। नहीं तो गर्मियों में तो यहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है भाई साहब। अभी ठीक है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा है मौसम है। बढ़िया दोस्त, वो बढ़िया भाई साहब एकदम। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आ गई है गणेश पॉल, ये थर्ड पॉल है जिसको, जिसका नाम है गणेश पॉल। ये है दोस्तों किले का रास्ता, जिसके अंदर ऐसे पत्थर लगाए गए हैं। और साइड के ये जो पत्थर देख रहे हो, ये जल निकासी के लिए नाली है और उसके ऊपर ये पत्थर लगाए गए हैं। पूरे पत्थरों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे किए हैं ताकि कोई फिसल के नीचे नहीं गिरे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुराने टाइम के लोगों की जो मेंटेलिटी है वो देख के वाकई लगता है कि बहुत आगे का वो लोग होते थे। और ये कितनी पुरानी रोड है, कितनी पुराने स्मारक है जो अभी तक एकदम बढ़िया कंडीशन में है। और अभी चलते चलते ये एक और पॉल आ गई है जिसका नाम है हवा पॉल। ये हवा पॉल है, अभी हवा पॉल से एंट्री करते हैं। तो जैसे ही हमने फोर्ट के अंदर एंट्री करी है, यहाँ पर पॉल हैं, तो पॉल के अंदर आपको बहुत सारे टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे जो आपको पूरा किला घुमा सकते हैं और किले का जो इतिहास है वो सब बता सकते हैं। तो भाई साहब आप बताइए, टूरिस्ट गाइड के लिए आप क्या क्या व्यवस्था रखते हैं गाइड करने के? सर इस लिविंग फॉरेस्ट में क्या, ये राजस्थान का सेकंड किला है जिसमें पब्लिक रहता है। फर्स्ट में क्या, इस फोर्ट की जो नींव रखी थी वो 12 जुलाई 1156 के अंदर महारावल जैसल राजा द्वारा रखी गई थी। ये फोर्ट एक पहाड़ी पे बनाया गया, संस्कृत में पहाड़ी को बोलते हैं मेरू पर्वत। और हाँ, तो राजा का नाम था जैसल और पहाड़ी का नाम था मेरू, दोनों को मिला इसका नाम पड़ा जैसलमेर। इस फोर्ट के तीन नाम है। फर्स्ट में इसको बोलते हैं सोनार किला, यहाँ का जो पत्थर है पीला पत्थर है तब इसको बोलते हैं सोनार किला। दूसरा इसको बोलते हैं घाघरिया फोर्ट, इसका जो शेप बना हुआ घाघरी की तरह, लहंगों की लहरों की तरह बना हुआ है महिला का जो घाघरा। हाँ, और तीसरा इसको स्वर्णनगरी राजस्थान का सेकंड किला जो पब्लिक रहता है, और इसको त्रिकुटगढ़ पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन कोनों में फैला इंडिया के नक्शे की तरह किला बना हुआ है। इसको अच्छी तरह मैप में अगर आप ऊपर से देखते हो तो इंडिया के नक्शे की तरह बना हुआ है। जैसलमेर इसमें आज भी 4,000 लोग रहते हैं, ब्राह्मण और राजपूत, सिर्फ दो कास्ट रहती है। ब्राह्मण जो कास्ट रहने का क्या कारण है यहाँ पर? सर ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ का काम किया करते, राजपूत थे वो सोल्जर थे, लड़ाई का काम किया करते। तो राजाओं ने तांबे के पत्र पे उनको गिफ्ट में दे दी मंकन, उनके वंशज चल रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। 867 साल पुराना एक किला है। इसके लिए एक सबसे बड़ी खासियत है इंटरलॉक सिस्टम बनाया गया, बगैर चूना बगैर सीमेंट का पानी नहीं था पीने को। इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया गया, आने जाने का एक ही रास्ता, आप नीचे जाते हो 4 गेट क्रॉस किया हो। फर्स्ट गेट का नाम था आखे प्रो, सेकंड गेट का नाम था सूरज प्रो, एक गेट से दूसरा गेट दिखाई नहीं देता। पहले एक टाइम में युद्ध होता तब सेना इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर देती, तब गेट हाथी से तोड़ा करते। हाथी भागता भागता आए फर्स्ट गेट को सफल होता है, जैसे ही सेकंड गेट में भागता भागता आता है टर्न लेता है, स्पीड कम हो जाती है, हर गेट टर्न बाई टर्न बनाए गए। थर्ड नंबर गेट है गणेश प्रो, हिंदू फेस्टिवल सब गणेश जी को मानते हैं। इस फोर्ट की नींव रखी, सबसे पहला गेट बनाया गणेश प्रो। 4 नंबर गेट उसको बोलते हैं विंड गेट, हवा प्रो। तो आप कहीं भी गेट के अंदर से आते, 3 गेट के अंदर हवा नहीं महसूस होता, इसका तो डायरेक्शन है दक्षिण उत्तर की साइड में रखा हुआ है। जो भी थक गया यहाँ पे रिलैक्स करे तो हवा का महसूस हो, इसलिए इसको हवा पोल विंड गेट बोलते हैं। आने जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कहीं भी गली में जाओगे घूम के सेंटर में चौक में आना पड़ेगा, आने जाने का यही रास्ता है। ठीक है ना, इसमें आगे में जो बड़ा चौक आप सामने देख रहे हो उसको बोलते हैं दशहरा चौक। राजस्थान में दो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, गणगौर और दशहरा। अभी के 44 जनरेशन की पीढ़ी आज भी चल रही है। 43 जनरेशन के राजा का नाम था महारावल बृजराज सिंह जी भाटी, एशिया के सबसे स्मार्ट राजा, जो भी क्या 2 साल पहले एक्सपायर हो गए 28 दिसंबर 2020 को। तो अभी इनके बड़े लड़के हैं वो राजा बने, जिनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी, जिनका राजतिलक हुआ था 15 जनवरी 2021 को। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ उनका। 44 जनरेशन की पीढ़ी आज भी रह रही। आपने आमिर खान का फिल्म देखा हो सर फिरोज, जो मिर्ची सेट का हवेली दिखा, वहाँ पर प्रेजेंट राजा रहते अभी भी। आगे अपन जैसे जाएंगे हर जगह हिस्ट्री आगे आगे अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट चालू होता है। तो भाई साहब आप यहाँ पर टूरिस्टों को गाइड करते हैं, आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है? सर हमको इंग्लिश, फ्रांस, जर्मनी, मारवाड़ी, बंगाली, मारवाड़ी सब बातें भाषा में हम घुमाते हैं। और एक टूरिस्ट के लिए गाइड के लिए कितना चार्ज है? सर इंडियन गाइड है उसका तो 350 रेट है हमारा, और फॉरनर के लिए 800 रुपये चार्ज होता है। बिल्कुल दोस्तों, तो आप यहाँ पर विजिट करने आते हैं तो यहाँ से गाइड ले सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये लोग इतिहास भी जानते हैं पूरा, तो वो आपको बता सकते हैं आराम से। तो चलिए अब आगे का किला है जो विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच चुका हूँ किले के अंदर, और आप देख सकते हो ये जो पॉल है, इस पॉल से हमने एंट्री करी थी।
और ये यहाँ पर जो जैसलमेर के किले का चौक है यहाँ पर ये, और इसके अंदर बहुत सारी गलियाँ हैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हूँ। और सब गलियाँ हैं जो मतलब जाती हैं, गलियाँ के अंदर जाओ और वापस वहीं से आना पड़ता है। अलग अलग व्यू, अलग अलग नज़ारे हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करना है जो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम किले के अंदर आ चुके हैं और ये जो है राजा का महल है और उधर वाला है रानी का महल। तो राजा रानी के महल हैं यहाँ पर, एक के अंदर राजा रहते थे, एक में रानी। और ये जो आप सिंहासन ऊपर देख रहे हो यहाँ पर राजा जी बैठते थे, और ये जो चौक है चौक में बैठती थी प्रजा, और राजा यहाँ पर अपने प्रजा के लिए कुछ भी मतलब अलाउंस करने होते थे या कुछ बातें उनको बोलनी होती थी तो वो बोलते थे। तो अभी चलते हैं आगे, इस तरह एक गली है उस गली में जाते हैं। सो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जो जैसलमेर के जो रावल थे उनके आराध्य देवता हैं लक्ष्मीनाथ जी। तो आपको दिखाते हैं लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर दोस्तों काफ़ी पुराना मंदिर है, और ये भी वही जैसलमेर के स्टाइल में बना हुआ है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। और इसके अंदर है जो लक्ष्मीनारायण जी की मूर्ति लगी हुई है, और नियमित रूप से पूजा पाठ है जो यहाँ पर होता है। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास में ही एक हिंगलाज माता जी का भी मंदिर है, यहाँ पर हिंगलाज माता जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तो अभी हम है जो जैसलमेर के फोर्ट के अंदर घूम रहे हैं, और दोस्तों ये एक लिविंग फोर्ट है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई गाँव में घूम रहे हैं ऐसे फील होता है। और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जो शानदार नज़ारे हैं वो भी दिख जाते हैं, तो हम आपको यहाँ जो अच्छे अच्छे नज़ारे हैं वो लगातार दिखाते रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों सिटी व्यू पॉइंट पर, और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि सिटी। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं यहाँ सिटी व्यू पॉइंट पर, और ये किले के ऊपर से यहाँ पूरा जैसलमेर दिखता है, यहाँ पर पूरा जैसलमेर देख सकते हैं। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ से पूरा जैसलमेर, और यहाँ पर भी लोग सेल्फी लेते हैं। और सिटी व्यू पॉइंट पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक तोप रखी हुई है, तोप की नली है वो रखी हुई है यहाँ पर भी, और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा है, तो एक बार आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ कुछ भाई साहब है जो तोप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उठाइए भाई साहब, उठाइए। भारी है भाई, बहुत भारी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाली हार नहीं होती। भाई साहब ऐसे थोड़ी उठ जाएगी, ये बहुत भारी है मतलब। और दोस्तों यहाँ पर जो ये गोल गोल पत्थर वगैरह पड़े हुए आप देख रहे हो, ये जब दुश्मन यहाँ पर अटैक करता था वहाँ नीचे से, तो ये पत्थर दुश्मन के ऊपर फेंक देते थे, इसलिए जगह जगह पर किले की जो प्राचीर है उसके ऊपर ऐसे गोल गोल पत्थर है वो रखे हुए हैं। और जैसलमेर की नगरी का जो नज़ारा है वो तो आप देख ही सकते हो। और इधर आगे दोस्तों राजा जी का महल है, जो वहाँ पर यहाँ जो प्रजेंट अभी महारावल है वो वहाँ रहते हैं। और ये पूरा जैसलमेर सिटी है, और उधर आप देख सकते हो जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। और ये जो सामने जो बड़ी सी हवेली दिख रही है वो है पटुओं की हवेली, और इधर जो एक और हवेली आपको दिख रही होगी जो आगे हैं वो सालिम सिंह जी की हवेली। और फोर्ट के अंदर आपको मिलेगी इस प्रकार की यूनिक चीज़ें जो आप यहां से परचेज कर सकते हो, जो बहुत ही शानदार है दोस्तों, दिखने में एकदम राजस्थानी ट्रेडिशनल लगती हैं। और ये चीज़ें आपको किले में और ऐसी जगह पर ही मिल सकती हैं, आउटसाइड पे कहीं मिलती नहीं है। और किले के अंदर इस प्रकार की शानदार हवेलियां भी बनी हुई हैं जो देखने लायक है, वास्तव में आकर्षण का केंद्र है। तो ये सब देख के बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों, और लगातार किला है जो हम विजिट कर रहे हैं आपके साथ में। और अभी भाई साहब हमें एक यूनिक नज़ारा मिला है, आप देख सकते हो जो ये ऊपर की जो छत है वो लकड़ियों की बनी हुई है, बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है आप देख सकते हो, और लकड़ियों के ऊपर चूना सीमेंट और वो सब डाल के ऊपर छत बना दी है, और इसके ऊपर और एक मंजिल है और बिल्डिंग बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अभी वो सिटी व्यू पॉइंट देख के वापस आ गए हैं चौक के अंदर, यानी सब गलियाँ आकर वापस यहीं मिलती हैं। और अभी जा रहे हैं एक दूसरी गली के अंदर जिसके अंदर है जैन मंदिर है, और यहाँ पर सनसेट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट देखने के लिए मिलता है। अभी सनसेट तो नहीं होने वाला है, फिर भी देख के आते हैं कैसा नज़ारा है। जैन मंदिर बहुत ही शानदार है दोस्तों यहाँ पर जैन मंदिर, तो वो जैन मंदिर देखते हैं। और इसमें आगे एक बाघ की हवेली, बाहरी हवेली कहते हैं इसको, ये बहुत ही शानदार हवेली बनी हुई है, जो म्यूजियम है इसके अंदर भी एक देखने लायक म्यूजियम और हवेली। तो अभी चलते हैं पहले जैन मंदिर और वापस आते टाइम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं जैन टेम्पल में,
और ये है जैन टेंपल। यह है जैन टेंपल। अभी आप पूछेंगे यहाँ का राजा तो राजपूत था, लेकिन किले के अंदर जैन टेंपल कैसे बनाए? पुराने जमाने में खींचो, पुराने ज़माने में यहाँ पर जैनियों के 2700 परिवार रहते थे। राज परिवार के लोग उनसे टैक्स के नाम पर रकम वसूला करते थे। रकम वसूलना पूरा हुआ, जैन लोगों ने राजा से अर्ज किया कि आपने हमसे ज़िंदगी भर रकम वसूला, अब हम उस रकम का कुछ रिफंड चाहते हैं, यानी रिप्लाई चाहते। तो बोला क्या रिप्लाई चाहते? हमारे 9 मंदिर इस परिधि के अंदर बनने चाहिए। जैनियों ने रकम दिया, रकम के आधार पर राजा ने उनको जगह दिया। जैनियों ने अपने पैसे से मंदिर बनाए। मंदिर को बनने में लगे 17 साल, किले को बनने में लगे 7 वर्ष, मंदिर को बनने में लगे 17 वर्ष। 9 मंदिर है, 9 मंदिरों में 6,666 मूर्ति है। 6 + 6 = 12 and 12 + 12 = 24 प्रॉफिट इनसाइड द जैन। मेन प्रतिमा है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। लुक लाइक फेस, अगर आप इस मूर्ति को देखोगे तो मूर्ति आपको देखने में लगेगा मार्बल का है, लेकिन वो मूर्ति मार्बल का नहीं है। मूर्ति मेकिंग बाय सैंड है और पोटेड बाय पर्ल है। रेती की मूर्ति और मोती का लेप है। 2064 साल पुराना मूर्ति है। आज से 2064 साल पहले सभी मूर्तियां गुजरात के पाटन से ला करके लोधरवा में रखी गई थी। कि पहले जैसलमेर आना बहुत कठिन था। किसी कवि ने जैसलमेर आने के लिए कहावत कही है, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखे जैसाण। किसी व्यक्ति को जैसलमेर जैसाण की यात्रा करने की हो, लकड़ी जैसा घोड़ा हो जो घास नहीं मांगे, पिंड पैर पाषाण, आपका पैर और पेट पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थर के मापे होना चाहिए, जहाँ पर 40-45 डिग्री टेम्परेचर में थके नहीं, वस्त्र आपके लोहे के समान, आती धूल को सहन कर सके, बॉडी स्ट्रक्चर 45-50 डिग्री तक के तापमान को सह सके, जब जाकर जैसलमेर देखने को मिलता था। आज के ज़माने में सभी कहावतें चेंज हो गई। टाटा सूमो एसी कार 4 घंटे में जोधपुर से आती जैसलमेर, ओएस और मिनरल वाटर के अलावा रास्ते में दाल बड़ी चूरमे का पैकेज मिल जाता है खाने को, कहावतें सभी चेंज हो गई। आज का नया कहावत है, गाड़ी घोड़ा छोड़ के ऊँची भरो उड़ान, चंद मिनटों में घूम लो त्रिकुटगढ़ जैसाण। स्वागत चलते हैं जी। जी बिल्कुल, बहुत शानदार। किले के अंदर यहाँ पर जैन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर कुल 10 जैन मंदिर हैं, जिसमें मुख्य मंदिर ये हैं, श्री संद्र प्रभु जी का मंदिर है, और इसके पास में एक साइड में एक ये और मंदिर है, और 2 मंदिर उधर आगे हैं। कुल 8 मंदिर है, यानी कुल मिलाकर, और ये मंदिर हैं, इसके भी दर्शन कर लेते हैं। ऊपर आप देख सकते हो पूरी जैन कला से ये मंदिर बने हुए हैं। जो जैन मंदिरों की स्थापत्य कला होती है उसी के अनुसार ये जो जैन मंदिर है वो बनाए गए हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर जैन मंदिर के पास में ही एक शॉप है, जहाँ पर इस प्रकार के बाउल्स और ग्लासेस और कुछ यूनिक आइटम्स यहाँ पर मिल रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर खास तौर पे क्या विशेष मिलता है आपको? यहाँ 2 स्टोन निकलता है, एक सी फॉसिल, एक वुड फॉसिल। आप भी सुन लीजिए सर, वापिस में ये सी फॉसिल है, समुद्र के जीव जंतु से बना हुआ है, सब सी एनिमल्स है, उस वजह से पत्थर काम करता है। ग्लास में पानी रखो रात को, मॉर्निंग में खाली पेट पानी पियो, ये ब्लड को डिटॉक्स करता है, साफ करता है। ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज़, बीपी, शुगर, हार्ट, पाइल्स, सब में काम आता है। बॉडी में 80% डिजीज़ ब्लड की वजह से होते हैं। तो टिल बोन टू टिल डेथ तक, मतलब छोटे बच्चों को अभी से पानी पिलाओ, ये प्री प्रोकेशन है, आगे जाके डिजीज नहीं होंगे। बीपी है, शुगर है, डेली इसका पानी पियो, धीमे धीमे मेडिसिन ऑफ हो जाएगा, पानी लाइफ टाइम पीना पड़ेगा। मेडिसिन को रिड्यूस करने के लिए इसे यूज़ किया गया है। पूरा डिटेल्स देखना हो गूगल में, जैसलमेर हाबूर या बेनिफिट ऑफ हाबूर स्टोन, 2 साइट्स हैं। हर चीज़ मेंशन है, क्या काम आता है, कैसे काम आता है, हर चीज़ रिटर्न है। एक और चीज़ होता है, इसका हम ताबीज़ बनाते हैं, उर्दू में लिखा जाता है। हिंदुस्तान में उर्दू लैंग्वेज, गुड लक लैंग्वेज यूज़ किया गया है। स्टोन का जो नेचुरल डिज़ाइन है ये उर्दू की तरह है। इसके लिए 1200 से 1700 के दरमियान जो भी मोनूमेंट्स बना, ताजमहल, लाल किला, दिलेवाड़ा, जैन टेम्पल, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, सब में इसका पीस लगाया गया है नज़र से बचाने के लिए। जहाँ वास्तु का प्रॉब्लम होता है, ऑपोजिट इसका पीस रखा जाता है, उसके लिए पिरामिड, टाइल्स, कछुए वगैरह बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में मैक्सिमम नज़र से बचाने के लिए यही पत्थर यूज़ किया गया है। इसे मरियम भी बोला जाता है, जैस्पर। तो इसके नगीने बनते हैं, जैस्पर पहना जाता है शांत रखने के लिए, फोकस करने के लिए, प्रॉस्पर्टी के लिए, नज़र से बचाने के लिए। ये ऑप्शनल है, ये डेजर्ट का पहला पार्ट है। वैसा वो ग्लास कौन सी है जिसके अंदर मतलब रखने से दूध डालने से ऑटोमेटिक दही जम जाता है? ये सर एक्चुअल में एक जुमले की तरह है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग सिर्फ 15 दिन के लिए होता है। इस ग्लास के अंदर एकदम गर्म दूध डाल दो, छोड़ दो 48 डिग्री टेम्परेचर पे, 48 डिग्री सर टेम्परेचर सिर्फ 15 दिन रहता है, वो भी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन 3 जिलों में ही रहता है। उस दरमियान जैन साधु लोग इसमें एकदम गर्म दूध डालते हैं। इस स्टोन के अंदर लैक्टोबेसिक बैक्टीरिया का फॉसिल है, लैक्टिक एसिड से दही बनता है। गर्म दूध डालते हैं, लाइटली फॉर्मेंटेशन होता है, वो दही के जैसा बन जाता है, उसे जैन साधु लोग दही बोल के खाते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि हम दही बैक्टीरिया के लिए खाते हैं। जुमला है मतलब। ये जुमले की तरह है सर, जुमला तो नहीं बोल सकते पर जुमले की तरह है। दही बनता भी है और नहीं भी बनता है, दोनों कंडीशन है। क्योंकि यहाँ से आप बाहर जाओगे, बॉम्बे गए तो सर वहाँ टेम्परेचर कम रहता है, तो उसमें सर 35 से 40 घंटे तक लग जाते हैं। 40 घंटे में वैसे भी दूध खराब हो जाता है। तो जो दही बनने का प्रोसेसिंग है वो हम लोगों के लिए काम का नहीं होता है, ये सिर्फ जैन साधुओं के लिए होता है। ये हमारे लिए मेडिसिन में काम आता है, तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है। ये डेजर्ट का पहला भाग है।
ये डेजर्ट के दूसरे भाग से निकलता है। नॉर्मली दही बनाते हैं घर में खटाई डालकर, पानी आता है, गीला रहता है, प्रॉपर नहीं बनता है। ये सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन इसको बोलते हैं क्योंकि डेजर्ट में निकलता है तो नाम दे दिया रेत का पत्थर। इस स्टोन की यही विशेषता, ये पानी को सोखता है, एब्जॉर्व करता है, तो एक्स्ट्रा पानी को सोख के बाहर निकाल देता है। गाढ़ा पनीर के जैसा दही बनाने के लिए काम आता है। इसमें आपको खटाई डालना पड़ेगा, दही एक ही प्रोसेसिंग में खाया जाता है, दही डाल के लाइव बैक्टीरिया मिक लाइव बैक्टीरिया सिंपल साइंस है, तो वही दही खाया जाता है। तो ये पानी को सोखता है तो गाढ़ा पनीर के जैसा दही बनाने के लिए काम आता है। दूसरा, ये दुनिया में एकमात्र पत्थर है जो माइक्रोवेव में यूज़ होता है। कुछ गर्म करना है माइक्रोवेव में कर सकता है, तो मल्टी क्रॉकरी है, इसके लिए जैसलमेर फेमस है। माइक्रोवेव में ब्रेक नहीं होगा? नहीं सर, ये यूनिक स्टोन है, मेडिकेटेड मेडिसिन में काम आता है, यूवलाइज के लिए पिरामिड। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर एक और सिटी व्यू पॉइंट है वो देखने के लिए, जिसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। और रास्ते में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और गेस्ट हाउस हैं, बहुत लिविंग फोर्ट है, तो एकदम जैसे स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं जैसलमेर फोर्ट्स का जो सनसेट पॉइंट है, और यहाँ से भी पूरा जैसलमेर दिखता है। तो आपको दिखाते हैं पूरा रियल जैसलमेर, जैसलमेर की हरियाली, और गड़ीसर तालाब भी है जो सामने दिख रहा है। तो पूरा जैसलमेर दिखाते हैं आपको, बहुत ही एकदम पूरा गोल्डन लग रहा है, एकदम येलो कलर का जैसलमेर है। तो चलिए जैसलमेर दिखाते हैं और आपको कुछ शानदार नज़ारे दिखाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं सनसेट पॉइंट से, और सामने बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं वो भी बनी हुई दिख रही हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ख़तरनाक हवा चल रही है भाई साहब, फोन हाथ से भी हिल रहा है इतनी हवा है। फिर भी नज़ारे हैं जो काफ़ी शानदार है दोस्तों, यहाँ पर दूर दूर तक हरियाली और हरे भरे नज़ारे। और भाई साहब जैसलमेर का जो किला बना हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बना हुआ, पत्थर कैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे पत्थर है इसके ऊपर और पत्थर, इसके ऊपर और पत्थर, इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम, यानी एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को लॉक लगाया गया है। कोई भी चूना काम में नहीं लिया गया है, ना कोई सीमेंट लगाया गया है, बिना चुने और बिना सीमेंट की दीवारें यहाँ इस फोर्ट के अंदर बनी हुई है, जो वास्तव में बहुत ही लाजवाब कलाकारी हैं, और ये स्थापत्य कला का एक अलग ही नमूना है जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये बहुत पुराने पुराने लॉक हैं, और बहुत पुराने लॉक देख सकते हो। एक बार वापस है जो यहाँ चौक में आ चुके हैं, और एक नई गली है यहाँ पर, ये मैं दिखाता हूँ आपको। इस गली में जाते हैं अब आगे, और यहाँ पर कौन सा व्यू है एग्जैक्टली मुझे कुछ भी पता नहीं है, अब आगे जाने पर ही पता चलेगा कि कौन से नज़ारे इस गली के अंदर है। और वास्तव में बहुत ही शानदार सिस्टम है, यानी एक गली के अंदर जाओ और घूम के वापस चौक में आ जाओ, फिर दूसरी गली में जाओ घूम के वापस चौक के अंदर आ जाओ, बहुत ही शानदार जगह है। आप गाइड लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और गाइड नहीं लेते हो तो भी आराम से घूम सकते हो, वैसे कोई बात नहीं। हमने गाइड नहीं लिया है, हम खुद ही घूम रहे हैं, और यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। अभी रास्ते में जा रहे थे और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पर जो जैसलमेर के ट्रेडिशनल कपड़े, ट्रेडिशनल आइटम्स और कुछ स्टोन के बने हुए आइटम भी यहाँ पर बिक रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ भाई साहब है, और इनसे जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है जैसलमेर के पत्थर में। ये स्टोन है जो अपने आप में प्रूफ है इस बात का, जैसलमेर के अंदर 12 से 18 करोड़ साल पहले समुद्र था, सूख गया, डेजर्ट बना, तो उसके जीवाश्म मिनरल्स बैक्टीरिया थे वो करोड़ साल मिट्टी में दबके पत्थर बन चुके। इस पत्थर में आप देख सकते हैं ये सब स्नेल्स है, जीवाश्म एनिमल्स। इसी स्टोन के हमने ये ग्लास बनाए हैं। अब इस ग्लास में आप हल्का गर्म दूध डाल दो तो ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है बिना जामन के, खट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बाहर पॉलिश है और अंदर नेचुरल है। और इसमें रात भर पानी भर के रखो और सवेरे का पानी भी पीते हैं, बीपी है, शुगर है, पाइल्स है, डायबिटीज़ में रिलीफ मिलता है। अब ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट और अमेजोन में ऑनलाइन भी बिकना चालू हो गया है। इसकी ऑनलाइन प्राइस है 850 रुपये अमेजोन में, इसकी ऑफलाइन है आपके 550-450 सस्ता मिलेगा, क्योंकि अपनी दुकानों के किराए भाड़े नहीं, ऊपर अपारे मकान है तो नीचे अपनी दुकान है। अपनी दुकान का नाम है वीआईपी स्टोन शॉप। दूध इसके अंदर डालते हैं तो
कितनी देर में जम जाता है? 8-10 घंटे में ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। खट्टा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें अभी भी वही बैक्टीरिया के अंडे मौजूद है, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। इसके अंदर बस दूध डाल दो, दही जम जाएगा। हल्का गर्म दूध डाल दो। इसके ऊपर डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है। अजमेर के डॉक्टर है अली असगर पूना के, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया, उनको पाया गया भाई इसमें हाँ बैक्टीरिया के मौजूद है कारण जो दूध को दही बनाता है। ये तो चमत्कार हो जाएगा एकदम जी। इंडिया के हर मोनोमेंट में ये स्टोन फ्लोर में लगा हुआ है। ये स्टोन नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। इसी के लिए ट्रायंगल से दुकान में, गाड़ी में, ऑफिस में रखते हैं, नेगेटिव को भी दूर करता है। ये अपना शॉप है नीचे, बहुत भारी है भाई साहब। ये नीचे अपना शॉप है, नीचे इनका दुकान है पूरा अंडरग्राउंड में, इनका खुद के मकान और दुकान है हमारे ये। और ये देखो भाई साहब, ये जैसलमेर के होटल हैं जो रंग बिरंगे और काफ़ी आकर्षक दिखते हैं होटल भी यहाँ के। और यहाँ पर एक शॉप है जो फोर्ट के अंदर ही, यहाँ पर राजस्थान की ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी आपको दिख जाएगी। भाई साहब ये रियल ज्वेलरी है? और ये मतलब इतनी पुरानी है? पुरानी कैसे बनाई हुई है? यहाँ से कहीं से कलेक्ट की हुई है? कलेक्ट की हुई है दोस्तों। अभी तो इस प्रकार की ज्वेलरी है जो बनती नहीं है, आजकल मशीनों से बनने लगी है। और ये सभी ज्वेलरी हाथों से बनाई हुई है जो बहुत ही प्राचीन है। अभी ये गली विजिट करते करते भी आगे आगे हैं। और ये यहाँ पर एक और छोटा सा चौक है, या लोगों के घर हैं, और घरों के आगे उनका मार्केट भी लगाया हुआ है। तो इधर आगे एक और सिटी व्यू पॉइंट है, वो भी देखते हैं चलते। थोड़ा बादली उगाओ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक तोप रखी हुई है। ओह माय गॉड, ये तोप थोड़ी स्पेशल है, मैं आपको दिखाऊंगा। पीतल के जैसी दिख रही है ये तोप, तो वो भी हम देखेंगे। और यहाँ का जो सिटी का व्यू है, यहाँ से भी बहुत शानदार व्यू दिख रहा है, तो एक बार आपको व्यू दिखा दें। फ्रेंड्स ये है दूसरा सिटी व्यू पॉइंट, और आप यहाँ से देख रहे हैं ये किले की प्राचीर, और प्राचीर से आगे पूरा जैसलमेर शहर है जो स्वर्ण नगरी, आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो तोप आप देख रहे हो, ये तोप है पंच धातु की, पांच धातुओं को मिला के ये तोप बनाई गई है, जिसके अंदर अभी देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे पीतल की बनी हुई हो, लेकिन पीतल, तांबा, लोहा और भी पांच धातु, जो पंच धातु होते हैं, वो मिला के तोप बनाई गई है। और तोप के आगे का ये ब्यूटीफुल शहर का नज़ारा, लोग यहाँ पर फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, बहुत ही शानदार माहौल, शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर लोग कलाकार भी बैठे हुए हैं, वो भी गाना वाना गा रहे हैं जैसलमेर का ट्रेडिशनल, तो आपको सब कुछ है जो दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ जैसलमेर के फोर्ट के अंदर हैं, यहाँ रिद्धू खान जी मंगनियार हैं आप? मंगनियार, रिद्धू खान जी मंगनियार। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल राजस्थानी जो सॉन्ग है, राजस्थानी ओल्ड सॉन्ग जो आपको जैसलमेर में, बाड़मेर में यहीं पर सुनाई देते हैं, वो सॉन्ग गाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं, तो इनका सॉन्ग भी आपको जो सुनाते हैं। साजन आए रे पावन तोड़ दियो गलदार, हरे लोक जाने मोती दी चुन चुन जवार, गड दिलीर गड आगरो अद गड बीकानेर, अरे बलो चुगायु बाटिया श्री जन जैसल में। हाय गाइस, नमस्कार, खमांगनी, मैं लोक कलाकार रिद्धू खान भाडली जैसलमेर 15 साल से यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। आज आए हैं पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित जी, तो उनमें वीडियो है, बोले तो मीठो लागे। ओ बोले तो मीठो लागे, हसे तो प्यारो लागे, बैठो रो सुवे मारे जांगणे मां, सावली सूरत जेड़ू पृथ्वीराज सिंह जी, सावली सूरत जेड़ू जानी नू मज, बैठो नो सोवे मारे जागणे मां। मोला आवाज़
बोले तो मीठो लागे बैठो नो सोवे मरे लांगने मार सावली सूरत जेड़ो जानी नो मारो बैठो नो सोवे मरे लांगने मार आयो ओ बाडाणे सु आयो अर थार नगरी सु आयो। हाय गाइस खमागनी मैं ऋतु खान लोक का कलाकार अभी प्ले कर रहा हूँ मूमल जो आपकी लव स्टोरी है लव सॉन्ग वो मेरे पिताजी दपू खान जी एक साल पहले वो है नहीं डेथ हो चुकी है उन्होंने गाया था वो बहुत पॉपुलर सॉन्ग है अमेरिका व्हाइट हाउस फ्रांस जर्मनी आउट ऑफ कंट्री में प्ले किया था और यहाँ भी उनके नाम रहे आप पूरे वर्ल्ड में और वो वाला गाना दो तीन लाइन में प्ले कर रहा हूँ। मुंबल यहाँ की एक लड़की थी उस लड़की ने अपनी मस्जिद से एक वर्क किया उस लड़के का नाम था राणा महिंद्रा फ्रॉम पाकिस्तान नियर पार्टस कंट्री इन पाकिस्तान सो दे आर वी नाउ प्ले जस्ट 800 इज ओल्ड एंड फेमस लव सॉन्ग वी जस्ट नाउ प्ले खमागनी राणा कणा महिंद्रा जी 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 जटाणो एक जट एक लजोई काकी खे पण दूजी लजोई जट मुमल जिनमी पी लुदर में लुदर में मुमल जिनमी पी लुदर में प्यारी प्यारी मूमल लद्रू वेरी मूमल हाल ले जाओ अमराने वाले दे खमागनी ये वाला गाना मेरे पिताजी ने गाया था कमाई चे भी उसका मैं लर्निंग कर रहा हूँ। थैंक यू जी खमागनी नमस्कार हले पदारी सर। तो अभी हम खड़े हैं किले की प्राचीर पर और सिटी व्यू पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे दर्शक हैं जो भी घूमने के लिए आए हैं तो ये लोग पूरी टीम है फ्रेंड्स हैं और यहाँ है एमपी से तो भाई साहब आपको जैसलमेर कैसा लगा बताइए। बहुत शानदार एक नंबर ब्यूटीफुल घूमने के लिए एक नंबर जगह सब कुछ यूनिक लग रहा है बहुत ही शानदार लग रहा है। भाई साहब की कैप है जो उड़ गई है किले से नीचे गिर गई है सीधी तो आपको कैसा लगा जैसलमेर का किला। काफी अच्छा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है और यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा और जैसलमेर की एक चीज बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगी। किला सबसे अच्छा किला। हाँ किला समझ में आया किले में किला समझ में आया बहुत अच्छा खोए तो नहीं 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 भाई साहब जैसलमेर का किला है जो पर्यटन में सबसे टॉप पर है तो सबको पसंद आना डेफिनेटली पसंद आएगा और हमें भी बहुत पसंद आया। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए और भी व्यूज आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसलमेर किले के अंदर बने हुए जो घर हैं वो भी आप देख सकते हो किस प्रकार के बने हुए बहुत ही उत्तम कोटि की यहाँ पर नक्काशी है और वही जैसलमेर का पीला पत्थर। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं जैसलमेर का जो फोर्ट का राजा का महल यानी कि जहाँ पर किंग बैठते थे और उधर साइड में आप देख रहे हैं वो है रानी का महल किंग का महल एंड क्वीन का महल। तो आपको दिखाने वाले हैं कि राजा साहब कितने ठाठ से रहते थे और उनका महल है वो कैसा है। तो चलिए राजा के महल के अंदर चलते हैं और आपको ये महल दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं राजा के महल में और ये जो कुर्सी मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर ये राज सिंहासन है नहीं राजा बाहर बैठते थे यहाँ पर और जो ये आगे का चौक है यहाँ पर जनता बैठती थी और राजा जो भी अनाउंस करते थे वो यहाँ से सुनाई देता था। और यहाँ छोटे छोटे और भी बनाए हुए हैं ध्वज वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर झंडे लगाए जाते थे। तो अभी इधर से चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ और ऊपर आते ही यहाँ पर एक छोटा सा चौक बना हुआ है और इधर राजा का महल है इधर शस्त्रालय है यानी शस्त्रागार है जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते थे इधर एक और रूम है वो भी देखेंगे। ख़ास तौर पर यहाँ सामने मुझे दिख रहा है एक झरोखा ये झरोखा है जो बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये झरोखा इतनी मतलब बारीक सूक्ष्म कला जिसको कुंदन जैसे कपड़े पर कुंदन वर्क होता है कुंदन ज्वेलरी पर जो कुंदन वर्क होता है उसके जैसे यहाँ पर जो वर्क किया हुआ वो आप देखिए। ये है जैसलमेर के फोर्ट का किले का एक मिनीचर है यानी एक ही जो एक ही पत्थर के ऊपर ये पूरी डिज़ाइन बनाई गई है जो जैसलमेर का किला पूरा बसा हुआ है वो आप देख सकते हो इस एक पत्थर के ऊपर पूरा डिज़ाइन करके ये बनाया गया है।
जो वाकई बहुत शानदार है भाई सब। तो यहाँ पर फोर्ट के अंदर ही दूसरी साइड में है जो यहाँ पेच वर्क का काम होता है, जो डिज़ाइन है ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार डिज़ाइन कपड़े के ऊपर एक बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है जिसको बोलते हैं पेच वर्क। ये भारत, ये राजस्थान की लोक संस्कृति और लोक कला है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके ऊपर हाथी बना दिया गया है पूरा पेच वर्क करके, और भी यहाँ पर एक दामोदर पेच वर्क करके टेक्सटाइल्स कंपनी है, और यहाँ पर इनके ऑनर हैं, इनसे जानते हैं कि ये पेच वर्क कैसे होता है और कहाँ पर होता है। हेलो, ये पेच वर्क जो है अपने जो पुराने पीस होते हैं टुकड़े, वो कलेक्ट करते हैं ड्रेसेस के, फिर उनको जोड़, मतलब टुकड़ों को जोड़ के डिज़ाइनें बनाई जाती है और उसको पेच वर्क किया जाता है, और औरतें जो है उस पेच वर्क को जोड़ती है, बीच में जो धागा लगा हुआ है वो सुई से, पूरा हाथ से काम होता है, हाथ से वो जोड़ती है पूरा। तो ये जो चादर वगैरह है जिस पे पेच वर्क किया, ये कहाँ पर काम आती है? ये चादरें वगैरह घर में यूज़ करने के लिए आती है, दीवार में लगाने के लिए छोटे पीस होते हैं, पर्दे की जगह लगा सकते हो, छोटे है वो वॉल डेकोरेशन के लिए, टेबल डेकोरेशन के लिए, और दीवार मतलब कि फ्लोर में भी लगा सकते हो कारपेट की तरह। तो भाई साहब, मैं जैसलमेर का किला विजिट करके अभी जा रहा था बाहर, तो यहाँ मुझे एक दिखे हैं गोल्डन बॉय, तो एक नज़र में ऐसे लगता है कि ये एक स्टैचू है, लेकिन स्टैचू नहीं है रियल में। मैं पास में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या ये हिलते हैं, क्या ये बोलते हैं या नहीं, ऐसे ही रहते हैं। ओह हेलो भाई। हेलो सर। तो देखा दोस्तों, ये एक ब्रदर है जो बोलते भी है लेकिन इनकी कला बहुत ही शानदार है। आप कितने टाइम से यहाँ पर? सर मैं एक साल से। एक साल से? और ये कला आपको कहाँ से मिली? सर मैं यूट्यूब से। यूट्यूब से? यूट्यूब पे मैंने एक देखा, गोल्डन यूनिक बॉय नाम से है। गोल्डी सर। हाँ, बहुत शानदार, मतलब उन्होंने इस कला का आविष्कार किया। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से उन्होंने ही किया है। मैंने यूट्यूब पे उनको ही देखा, मतलब बहुत बढ़िया वर्क है आपका, पूरे देख के ऐसे लगता है कि एकदम गोल्डन कलर का कोई मैन है और स्टैचू है, लेकिन ये रियल है। ये भी एक टैलेंट है जो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और यहाँ जैसलमेर में भ्रमण करने के लिए आते हो तो अभी दोपहर हो चुकी है, दोपहर में ये रहते हैं यहाँ पर, सुबह तो नहीं थे, अभी हैं। तो आप देखिए बाहर ही जैसलमेर के फोर्ट के बाहर में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ज्वेलरी सेल करते हैं, स्थानीय लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं और जो इंडियन विजिटर्स होते हैं वो भी आते हैं यहाँ पर और ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी शानदार ज्वेलरी यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स लोग हैं जो भी यहाँ की पायल और यहाँ की जो राजस्थानी ज्वेलरी है वो ट्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हो इनको पायल भी ऐसे जो पहनाना पड़ता है, खुद को तो पहनना आता नहीं है। तो अभी ये जैसलमेर के फोर्ट साइड के मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वगैरह मिलती हैं, तो आपको दिखाता हूँ। ये है ज्वेलरी और ये यहाँ पर ज्वेलरी सेल करते हैं। आप कहाँ से हैं आप बताएंगे? इधर से हैं, इधर जैसलमेर के। और ये ज्वेलरी कितने टाइम से ये काम कर रहे हो आप? साढ़े साल। में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, और स्पेशली इंडियंस को सेल करना तो इजी रहता है, लेकिन ये फॉरेनर्स को और यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं, उनको कैसे सेल करते हैं बात करते हैं। तो आप यहाँ कितने टाइम से ये जो कारोबार है आपका करते हो? मैं काफ़ी साल से करते हैं। कौन कौन सी भाषाएं आती है आपको? वो तो छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ, फ्रांस में, इंग्लिश में, जर्मन, हॉलैंड, इटालियन, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। मतलब कोई भी कस्टमर किसी भी देश से आएगा तो खाली भेजते नहीं हो आप? खाली नहीं भेजते, सब भाषा का बोल के बिजनेस कर लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। काम चला लेता है और पूरी इंग्लिश भी आता है, स्कूल कभी गया नहीं है। नहीं, अभी मैंने देखा जैसे आपने वो कस्टमर से बात करी बिल्कुल एकदम कन्वेंस करके, मतलब कैसे हुए? तो कभी स्कूल नहीं गए? स्कूल कभी नहीं गए, एक क्लास में नहीं पढ़े हैं, देख के ही नहीं, लारों के निकला स्कूल गए। भाषा तो टूरिस्ट आता नहीं, इससे सीख लेता बोल बोल, हमेशा बोल 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 सारे दिन बैठे बैठे। और भाई साहब आप कितने पढ़े हो? मैं एक में नहीं पढ़ा हूँ सर, मेरे को थोड़ा स्पेनिश आता है, फ्रांस आता है, इटालियन आता है। स्कूल के लारे होने गया? स्कूल के तो देखा ही नहीं, नहीं निकला, आगो का कभी नहीं निकला, स्कूल का मुंह कभी नहीं देखा मैंने। फिर भी बहुत एक्सपर्ट हो गए यहाँ पर? हाँ, थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं हमारा। क्या कारण है इतनी भाषा सीखने का? यहाँ रात में बस पेट का कारण है, बस रोजी रोटी है। हाँ, हमारी रोजी रोटी यही है। और भाई जी आप भी यही काम करते हो?
कौन कौन से आइटम है आपके पास ये बताओ। गले का चोकर है, अंगूठी है, झुमका है, आता का। तो देखो दोस्तों इतनी सारी यहाँ पर ज्वेलरी है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी जैसलमेर की एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी झुमका। दापू भाई है। वेरी चीप प्राइस, इंडियन प्राइस, नो टूरिस्ट प्राइस, 200 रुपी। ओनली इंडियन प्राइस। ऑल इंडियन प्राइस, नो टूरिस्ट प्राइस। इंडियन को दोगे आप 200 में और फॉरेनर्स को 500। और आप एक दिन में कितने रुपए कमा लेते हो? एक दिन में 200 रुपए। 200 रुपए कमाते हो एक ग्राहक में? अच्छा, एक ग्राहक में 200 रुपए। मजा कर रहे हो आप भी? ले लो, घर वाली के लिए, बाहर वाली के लिए, भाई की साली के लिए ले लो झुमका। घर वाली है नहीं, बाहर वाली कोई है नहीं, किसके लिए? तो नहीं है तो किसी के लिए तो ले लो, माँ बहन तो है, है तो उसके है। लिए ले लो। बोनी करा दो, बिमला की अभी बोनी नहीं हुई है। बिमला सब लैंग्वेज आती है बिमला को, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, चाइनीज, गुजराती, बंगाली, मराठी, सारी भाषाएं आती है। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मेरे को फ्रेंच आती है, इटालियन आती है, स्पेनिश आती है, ओला केताल मूवियर पोजू मिसू सब अब यहाँ कुमरा तो फुल चेहरा मोर तो बहलो। ये कौन सी भाषा बोली अभी आप? ये फ्रेंच बोली है। फ्रेंच बोली है। और इटालियन में एक बार बोलो। ओला केताल मूवियर कुमरा तो फुल चेहरा मोर तो बहलो। ये क्या बोला आपने? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आया, आपने माइक आगे किया ना, समझ आपको कैसे आएगा समझ में? एक बार हिंदी में बताओ। तो कुछ लो, बताओ पहले, एक कुछ खरीदो फिर बताएंगे। हमारा यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे, एक नहीं ज्यादा वीडियो है यूट्यूब पर। वीडियो आता है आपको? यूट्यूब चलाते हो? नहीं, हमारे लोग बना के जाते हैं। लोग बना के जैसे आप बना रहे हो ना वैसे। तो दोस्तों इनका कहना भी है ये है कि यहाँ से कुछ परचेज करो तो फिर ये वीडियो बनाते हैं, यानी कि जानकारी देते हैं। ऐसे बिना कुछ खरीदे जानकारी भी नहीं मिलती है, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी है, तो खरीदना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ से। और खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने घर वालों के लिए और हाँ घर वाली बाहर वाली कोई भी। तो आप जैसलमेर से हो? हम जैसलमेर से है। कौन सी कम्युनिटी से हो? हम बारगो कम समाज से। बारगो? बारगो, हमारा काम यही है झुमका बेचना। ये बनता कहाँ पर है? ये बनता है राजकोट में। राजकोट में, और वहाँ से आप लाते हो यहाँ पे सेल करते हो? ये काला धन है। काला धन? हाँ। काला धन क्यों? ब्लैक मेटल है। अच्छा, ब्लैक मेटल, जर्मन सिल्वर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो ये ज्वेलरी बेचते हैं, और मैंने यहाँ पर अभी देखा काफ़ी फॉरेनर थे, वो भी ज्वेलरी खरीदते हैं। फॉरेनर्स को ये ज्वेलरी काफ़ी पसंद आती है। और ये ठीक सूरज पॉल के है जो सामने की साइड में आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जैसलमेर का पूरा फोर्ट है वो विजिट किया, सोनार का किला घूमे और आपको दिखाया जैसलमेर का फोर्ट, और यहाँ पर जो लिविंग फोर्ट है वो भी पूरा आपको दिखाया। तो दोस्तों कैसा लगा आज को आपका हमारा ये ब्लॉग? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।